जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत कल करता है। ये एक ऐसी फेमस लाइन है जिस पर बंगाल के लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। एक टाइम पर बंगाल के लिए बात अगर देखी जाए काफी हद तक सच थी। ये भारत का वो हिस्सा है जहां से पोएट्री, साइंस, आर्ट, फिल्म मेकिंग, हर फील्ड के लेजेंड आते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, कितने सारे लेजेंड्स के नाम आप देखेंगे जो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। भाई एक टाइम पर बंगाल पूरे भारत में सबसे रिच रीजन माना जाता था। अरे बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो भैया देश विदेश में जलवा था। पूरे एशिया के एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल में 50% और रॉ सिल्क का 80% अकेले बंगाल प्रोड्यूस कर देता था। ढाका का मुस्लिन, मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल, ये ऐसा कपड़ा है जो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने स्पेसिफिकली इसके बारे में लिखा है। इवन मालदा के सिल्क इंडस्ट्री के रेफरेंसेस आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में मिलते हैं। बंगाल रीजन हिस्ट्री में इतना रिच रहा है कि चाहे फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर हो या फिर ब्रिटिश जर्नलिस्ट विलियम डिग्बी, ये लोग इन्हें इजिप्ट और ब्रिटेन से भी ज्यादा रिच बताते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये सब कुछ एकदम उलट चुका है। ये स्टेट आज के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। डेट टू जीडीपी रेशियो की लिस्ट में देखें तो टॉप 5 स्टेट्स में इसका नाम आता है। बंगाल में आज भारत में सबसे ज्यादा बेगर्स पाए जाते हैं, ये एक कड़वा सच है। एक टाइम पर विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले इसी स्टेट में आज चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं और इसकी रैंक में पूरे देश में सेकंड पोजीशन पर आता है। महान पोएट्स और थिंकर्स के इस स्टेट में एजुकेशन का हाल इतना खराब है कि आज के टाइम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में इसका नंबर नीचे से टॉप पे आता है। तो सवाल मन में आता है कि बंगाल की दुर्दशा कैसे हुई। वेल, इसके पीछे कुछ 5 रीजंस हैं जो मैं लिख के लाया हूं और आपको बताऊंगा। आपको तो पता ही है कि हम जब बात करते हैं तो भैया डिटेल में करते हैं, तो कॉर्नवालिस से कम्युनिस्ट तक जाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंसाइटफुल होगा तो जरा ध्यान से देखना और भाई आगे शेयर भी कर देना। हम लोग कब तक ये अंडररेटेड चैनल रहेंगे यार, अब तो भाई 500K क्रॉस हो ही जाने चाहिए। বাংলার এই বড় শহরগুলো যেমন ঢাকা এবং কলকাতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জ্বলছিল। যেমন দাঙ্গা লোকেরা নিজের জীবনে দেখে। টাটা মোটরস পুলস আউট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই দেশে ওদেরকে শরণার্থী বলে অনেক দিন পর্যন্ত অনেক কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। মমতা ব্যানার্জি হ্যাজ ফাইনালি ক্র্যাকড দ্য হুইপ অন টেইন্টেড মিনিস্টার পার্থ চ্যাটার্জি। হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মেইন অ্যাকিউজড ইন দ্য এসএসসি স্ক্যাম এন্ড হ্যাজ বিন স্যাকড অ্যাজ ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনিস্টার। সারা বঙ্গাল তোমাদের কোলো অনাজ তে গলে দি ভিক মঙ্গদা হে। হাজারা মর গয়ে নে তে বাকি জড়ে নে ও তোমাদি মদদ দি ইন্তজার কর রহে নে। बंगाल की प्रॉस्पेरिटी 1700s में इतनी ज्यादा थी कि यूरोप से आई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सीधे यहीं आए और बिजनेस करने के लिए आए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल भारत में ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन का एक सेंटर पॉइंट बन गया था। ये वॉर्स जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया और अपनी बाकी वॉर्स को फंड करने के लिए उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स को ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया। बंगाल में कंट्रोल करने से यहाँ पर जो भी हाई क्वालिटी सिल्क पैदा हो रहा था, टेक्सटाइल हो रहा था, इंडिगो हो रहा था, ये सब कुछ ब्रिटिशर्स को फ्री में मिल रहा था, जिसको एक्सपोर्ट कर करके इन्होंने खूब पैसा छापा। ये ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा शातिर थे कि बंगाल की हाई क्वालिटी कॉटन को बाहर ले जाते थे और जब फिनिश्ड गुड यहाँ पर आता था तो उसको महंगा करके बंगाल की जनता को ही बेचते थे और उससे भी पैसे कमाते थे। इन सारी चीजों का रिजल्ट ये हुआ कि लोकल जो रॉ मटेरियल था वो एक्सप्लॉइट हो रहा था, लोकल इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो रही थी और बंगाल की इकॉनमी लगातार श्रिंक होती चली गई और ब्रिटिशर्स ये सारा पैसा हजम कर गए। इन्होंने डकार तक नहीं मारी। अब एज इफ इतना सब कुछ काफी नहीं था कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल को बर्बाद करने का एक और मास्टर प्लान तैयार करा। इसने 1793 में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था और बंगाल प्रेसिडेंसी पर इसका क्या इंपैक्ट था, इस पर हमने एक डिटेल में अपने पुराने वीडियो में बात करी, लेकिन यहां पर आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। उस टाइम पर बंगाल रीजन से ना काफी ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था जो फार्मिंग सेक्टर से आता था, लेकिन उस टाइम पर फार्मिंग का आउटपुट कम हो रहा था क्योंकि फेमिन्स वगैरह भी हो चुकी थी। तो अपने रेवेन्यू को कॉन्स्टेंट रखने के लिए कॉर्नवालिस ने ये एक्ट लगाया और टैक्स को फिक्स कर दिया। उसने कहा कि फसल हो या ना हो, फार्मर्स को एक फिक्स टैक्स देना पड़ेगा और ये टैक्स कलेक्ट पता है कौन करता था, उस टाइम के जमींदार। तो धीरे धीरे जो छोटे फार्मर्स थे वो बर्बाद होने लगे। जब सूखा पड़ा तो टैक्स देने के लिए किसानों को अपनी ही जमीन गिरवी रख के हाई इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ा और ये लोन पता है वो किससे लेते थे, उन्हीं जमींदारों से। तो इन जमींदारों ने टैक्स भी कलेक्ट करा, उन्होंने ही लोन दिए और जब किसान वो लोन नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें भी हड़प ली और इस सिस्टम के थ्रू बंगाल रीजन के जो नॉर्मल किसान थे वो जड़ से
खत्म होते चले गए। अगला रीजन है फेमिन यानी भुखमरी। बंगाल में दो मेजर फेमिन्स के इंसिडेंट हुए जिसने इस पूरे रीजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये फेमिन सिर्फ नेचुरल नहीं थे बल्कि एक मैन मेड फेमिन थे जिनको प्रॉपरली ब्रिटिशर्स ने ही इंजीनियर किया था। सबसे पहला फेमिन था 1770। एक्चुअली 1768 और 69 ये दो सालों में लगातार बंगाल के पूरे रीजन में सूखा पड़ा था, तो वहां पर फसल ऑलरेडी नहीं हो रही थी और इसके ऊपर वहां पर स्मॉल पॉक्स का एपिडेमिक भी फैल गया। तो अल्टीमेटली 1770 में यहां पर फेमिन यानी भुखमरी आ गई। कहते हैं उस टाइम पर बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन यानी लगभग 1 करोड़ लोग इस भुखमरी की वजह से मारे गए थे। और इस सारी प्रॉब्लम में आग में घी डालने का काम करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब उसने अपनी आर्मी के लिए एक बड़े अमाउंट में राइस चावल खरीद के रखने शुरू कर दिए, जिससे फेमिन और सीवियर होता चला गया। लोगों के पास जब खाना नहीं बचा तो लोग ये रीजन छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे और जो ओवरऑल कल्टीवेशन था, जो खेती किसानी थी, वो 1/3 रह गई। कुछ हद तक काफी सिमिलर इंसिडेंट एक बार फिर से बंगाल रीजन में देखने को मिलता है 1943 में, जब फिर से इसी रीजन में एक मेजर फेमिन आया। अब ब्रिटिशर्स इस फेमिन के पीछे ड्रॉट को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, लेकिन IIT गांधीनगर की एक रिसर्च आप पढ़ो तो आपको साफ पता चलेगा कि ये फेमिन भी पूरी तरह से मैन मेड थी। इस फेमिन के पीछे ड्रॉट या सूखे का कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई जा चुका था। राइस के जो प्राइसेस थे वो 300% तक बढ़ गए थे। इसके साथ ही विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वॉर 2 में अपने आर्मी को खाना खिलाने के लिए बंगाल के लोगों के मुंह से खाना छीन छीन कर अपनी आर्मी को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। इस दौरान हर दिन 1500 टन फूड ग्रेन सिर्फ और सिर्फ आर्मी के लिए बंगाल से भेजे जाते थे और इस फेमिन की वजह से बंगाल के अंदर 30 लाख लोगों की डेथ हुई, जिससे बंगाल एक झटके में कई डेकेड्स पीछे चला गया। अगला पॉइंट है पार्टीशन से रिलेटेड। देखो, एक पार्टीशन तो हम सबको पता है 1947 में हुआ था, जिससे ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बने थे, लेकिन बंगाल के दो और पार्टीशन हो चुके हैं। पहला पार्टीशन 1874 में हुआ था, जब बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़कर असम बनाया गया था। 1912 में दूसरा पार्टीशन हुआ, जब बंगाल से ही सेपरेट करके बिहार और ओडिशा बनाए गए। जब असम को बंगाल से अलग किया गया था तो जो पूरी टी फार्मिंग वाली अपॉर्चुनिटी थी वो बंगाल के हाथ से निकल गई। जब बिहार और ओडिशा को अलग कर दिया गया तो वहां पर जो पूरा मिनरल वाला एरिया था वो भी इनके हाथ से चला गया। और फिर आया 1947 वाला पार्टीशन। ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन इतनी क्रुएल्टी के साथ किया था कि यूनाइटेड बंगाल की ऑलमोस्ट 75% जो जूट फील्ड थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी, और सारी की सारी जूट मिल्स जो उस टाइम पर हावड़ा, हुगली, 24 परगना एरिया में थी, वो बंगाल में रह गई। अब पाकिस्तान ने भारत में जो जूट आता था उस पर इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि यहां पर जो फैक्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल खरीदना इम्पॉसिबल हो गया, और इसकी वजह से एक एक करके वेस्ट बंगाल की जूट मिल्स बंद हो गए। इसके अलावा इस पार्टीशन का एक मेजर प्रॉब्लम था रेफ्यूजी क्राइसिस। 1961 का अगर आप सेंसस देखो, जो कि ऑफिशियल डेटा है, वो बताता है कि 30 लाख लोग उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आए थे एज अ रेफ्यूजी, और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली इससे काफी ज्यादा नंबर में इलीगल इमिग्रेंट्स भी भारत में आए थे, जिससे वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी थी उस पर बर्डन हद से ज्यादा बढ़ता चला गया। अगला रीजन है पोस्ट इंडिपेंडेंस बंगाल की पॉलिटिक्स। देखो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वेस्ट बंगाल के पास एक मौका था कि अब हालात धीरे धीरे सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि 1947 के बाद ब्रिटिशर चले गए, अब तो पावर अपने हाथ में थी। लेकिन यहां पर पॉलिटिक्स की वजह से बंगाल की ग्रोथ नहीं हो पाई। इंडिपेंडेंस के बाद से अगर आप देखें तो कांग्रेस, CPIM और TMC, यही तीन पार्टीज हैं जो यहां पर पावर में रही हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर तुरंत बात देखें तो सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि वेस्ट बंगाल को काफी डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ा। यहाँ पे जितनी भी जूट की खेती वगैरह बची थी वो इनकी कैश क्रॉप थी, इसका एक्सपोर्ट करके जो ड्यूटी मिलती थी उससे बंगाल का रेवेन्यू बढ़ता था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इसके एक्सपोर्ट ड्यूटी में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था उसको कम कर दिया। इसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस से डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो पैकेज वगैरह मिलता था उसको भी कम कर दिया। इसके साथ स्टेट से जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता था उसमें स्टेट का शेयर पहले 20% था, इसको घटा के 12% कर दिया, जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो 20% शेयर मिलता था इनकम टैक्स का वहां का, उसको बढ़ा के 21% किया गया था। अब इन सबसे परेशान होके उस टाइम पर बंगाल के CM BC रॉय ने पंडित नेहरू जी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सही नहीं हो रही हैं। अब सोच के देखो, वो खुद कांग्रेस से थे और नेहरू जी को लेटर लिख के उन्हें बताना पड़ रहा था कि दिस इज नॉट राइट।
और इन सब के बाद आई 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसकी वजह से जो कोस्टल स्टेट थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे खूब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट थे जैसे बिहार और बंगाल, इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये भी हमने बिहार वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर आप इसका इंपैक्ट देखें सिर्फ बंगाल के ऊपर, तो 1952 में इस पॉलिसी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र में जितनी टोटल फैक्ट्रीज थी उससे ज्यादा अकेले फैक्ट्रीज थी वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन 1956-57 के बीच में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में जितनी नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस मिला था उससे नियरली हाफ फैक्ट्रीज खुल रही थी वेस्ट बंगाल में। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि 1947 में वेस्ट बंगाल से जो पूरे देश का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट आता था, वो 1960 में घट के सिर्फ 17% रह गया। अब जब कांग्रेस पावर से गई तो वेस्ट बंगाल में पावर में आई CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट से कितना प्यार करती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनके आने के बाद बंगाल में ट्रेड यूनियंस का कल्चर खूब तेजी से शुरू हुआ, लेबर स्ट्राइक बड़ी कॉमन सी बात हो गई, तो जो फैक्ट्रीज यहां पर चल रही थी उनमें भी धीरे धीरे ताले लगने शुरू हो गए। इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी सोचा कि भाई यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा किसी दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और फिर जब 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आया, तो बाकी सारी स्टेट्स ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, लेकिन बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी इसका अपोज कर रही थी। बात 1991 पे नहीं रुकती, आप 2008 का केस उठाकर देखिए रतन टाटा का, जब उन्होंने हुगली के सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री सेटअप करने की बात करी, तो इसके अगेंस्ट उस टाइम पर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ममता बनर्जी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट खोल दिया। इन्होंने कहा कि यहां पर फार्मर्स की जमीन पर गलत तरह से कब्जा हो रहा है। एक साल के अंदर अंदर टाटा मोटर्स को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा और उन्होंने एक फैक्ट्री ले जाकर गुजरात में लगा दी। अब ममता बनर्जी जी को इस प्रोटेस्ट का काफी फायदा हुआ, 2011 में वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई, और इनके टेन्योर में अगर आप ओवरऑल देखें डेवलपमेंट हुआ है बंगाल, क्योंकि भाई लगातार इनको 3 बार इन्होंने सीएम बनाया है। लेकिन टीएमसी ने जिस कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल से हटाया था, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर पूछें तो लोग बताते हैं कि उनके जो ग्राउंड वर्कर्स थे, जो वहां पर क्लब कल्चर है, वो सारे के सारे वही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं जो आजकल टीएमसी के लिए काम करते हैं। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स उस गवर्नमेंट में होती थी वही प्रॉब्लम आज भी यहां पर हो रही हैं। इसके अलावा एक मेजर इशू है यहां पर होते कम्युनल वायलेंसेस। 2021-22 का डेटा देखें, पूरे एक साल के अंदर 65 से ज्यादा कम्युनल वायलेंसेस के केसेस यहां पर देखे गए। ममता बनर्जी पर बनने वाली जो सटायरिकल मूवी थी उसको यहां पे बैन कर दिया गया। करप्शन टीएमसी में इतना ज्यादा डीप है कि हर महीने किसी नए लीडर का नाम एक मेजर करप्शन स्कैंडल में आता है। अरे भाई, द वायर वाले तक अब इस पॉइंट को डिफेंड नहीं कर रहे, तो आप समझ सकते हो कि मामला कितना सीरियस होगा। इश्यूज इतने सीरियस हैं कि कोलकाता आज देश के अंदर एक डिसेंट जॉब प्रोवाइड करने और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के मामले में सबसे लास्ट में आता है। बंगाल में पॉलिटिशियंस क्राइम, करप्शन और कम्युनल वायलेंस के कॉकटेल से बंगाल के लोगों को फ्री नहीं कर पा रहे हैं, ये एक कड़वा सच है। ये पॉलिटिशियंस रिपीटेडली ग्लोरियस पास्ट के नॉस्टैल्जिया में लोगों को रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे ही ग्लोरियस फ्यूचर की तरफ लोगों को ले जाने में इनकी जो तैयारी है वो काफी वीक दिखाई देती है। तो ये थी बंगाल के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड केस स्टडी। हमने एक बहुत लंबे टाइम पीरियड को एक छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करी। इससे पहले हमने बिहार को भी कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लेना, और कमेंट्स में बताना कि अगले किस स्टेट को कवर करना चाहिए। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।